फ्रेंड्स, एक अच्छे जिम की सिलेक्शन के बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ वार्म अप ज़्यादातर तो आप सब जानते ही होंगे क्योंकि आप सब जिम्स में जाते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं। लेकिन मैंने ये शुरुआत की है बिगिनर्स के लिए, तो बिगिनर्स के जो शुरुआती दौर में मैंने देखा है कि वो कैसी कैसी गलतियाँ करते हैं। क्योंकि वार्म अप हमारी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, हमारे जॉइंट्स की मोबिलिटी को बढ़ाता है और सबसे ज़रूरी चीज़ इंजरी हो सकती है, मसल सोरनेस हो सकती है, उससे बचाता है। वार्म अप आपकी जो बॉडी में होने वाली सोरनेस है एक्सरसाइज के पहले और एक्सरसाइज के बाद में, स्पेशली जो सोरनेस होती है, जो इन्फ्लामेशन होती है, वो स्ट्रेचिंग जब हम करते हैं, जब वार्म अप करते हैं, तो उसके साथ ये जो चीज़ें हैं ये दूर रहती हैं और आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं जिम में जाके। आपका जो स्पोर्ट्स करियर है वो आप लंबा और बहुत ज़्यादा देर तक आप परफॉर्म कर सकते हैं। सोचने में और कहने में बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इस पर अगर ध्यान दें तो इनके रिजल्ट्स और बेनिफिट बहुत बड़े हैं। सो प्लीज़ आप एक अच्छा जिम और उसके बाद एक अच्छा वार्म अप सेशन ज़रूर करिए और उसके बाद अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दीजिए। तो फ्रेंड्स, वर्कआउट के साथ साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, बॉडी को हाइड्रेट रखना। आप बॉडी में डिहाइड्रेशन ना होने दें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि ड्यूरिंग वर्कआउट्स जब आप पानी कम पीते हैं, आपकी बॉडी से मिनरल्स कम हो जाते हैं, आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है, बॉडी सोडियम लूज़ कर देती है, तो वो हमारा जो लैक ऑफ बॉडी में हमारी सोडियम से हमें क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं, बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है। तो एक एथलीट के लिए डिहाइड्रेशन इज़ वेरी बैड। सो क्रैम्पिंग से बचने के लिए आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, आपके जो मिनरल्स हैं बॉडी में बने रहें। तो फ्रेंड्स, वार्म अप के बाद स्ट्रेचिंग, ड्यूरिंग सेट्स एंड आफ्टर सेट्स, ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी जो मसल्स में होने वाली सोरनेस, मसल में इन्फ्लामेशन और आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको भी बढ़ाती है। आपको जो सोरनेस होगी, जो बीच में आपको इन्फ्लामेशन होगी, उससे आपके मसल्स का बचाव रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कहूँ तो मसल्स ग्रोथ के लिए, मसल्स की रिकवरी के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है अगर आप ड्यूरिंग वर्कआउट्स मसल्स की प्रॉपर स्ट्रेचिंग करते हैं। सो 10 से 15 सेकेंड आफ्टर एवरी सेट, जिस पार्ट को भी आप ट्रेन कर रहे हैं उसकी स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। ज़्यादातर मैंने देखा है कि जोश में आकर और जब हम नया नया जिम शुरू करते हैं तो एक्साइटमेंट एक ऐसी होती है कि मुझे रिजल्ट्स बहुत ही फास्ट चाहिए, हम ओवर ट्रेन कर जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है क्योंकि ये हमारे मसल ग्रोथ को कम कर देता है, हमारे मसल्स की इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्रैम्प्स आने शुरू हो सकते हैं। सो मेरा मानना ये है कि फॉर बिगिनर्स शुरुआती दौर में आप जो आपका वर्कआउट सेशन है वो 40-60 मिनट्स का ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा लंबा वर्कआउट आपको नहीं करना चाहिए। थैंक यू। मेरा अपना सफ़र रहा है 16-17 साल का बॉडी बिल्डिंग में, तो कैसी नॉलेज आप मुझसे चाहते हैं कि मैं वो आपके साथ शेयर करूँ।